कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच का मंडलीय सम्मेलन बुधवार को लोक निर्माण विभाग परिसर स्थित डिप्लोमा इंजीनियर संघ सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री शिववरण सिंह यादव, डिप्लोमा इंजीनियर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष दिवाकर राय, भक्तराज राम त्रिपाठी, अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, संजय सिंह, परिषद की महिला इकाई की अध्यक्ष रीमा भारती, विनोद पांडे सहित मंच के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि देश के सांसद और विधायक को 3 तरह का पेंशन मुहैया कराया जा रहा है, जबकि सरकार की लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्य कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। सरकार को इस पर पुनः मंथन करना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि अगर सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू नहीं किया तो हजारों राज्य कर्मचारी 9 अगस्त को लखनऊ में धरना प्रदर्शन व रैली करने के लिए बाध्य होंगे। निश्चित रूप से सभी पार्टियां हम सरकारी कर्मचारियों को बोल सकती हैं और जो पेंशन पा रहे हैं पेंशन को तो महाबोझ समझते हैं। यह उनके चरित्र में है, आचरण में है, क्या हम लोगों ने महसूस किया जो भी छोटे छोटे आंदोलन हुए आपने देखा होगा उसको सभी दिल से उससे लगे और वह संदेश ऐसा गया कि आधे दिन में सरकार को झुकना पड़ा दूसरी सरकार से लड़ने के लिए आदरणीय अध्यक्ष ने मजबूत आंदोलन मजबूत मंच की आवश्यकता महसूस की। शुरुआत के 6 महीने तो इन्हें पलटने का मौका दिया कहा कि कोई आंदोलन नहीं करेंगे और उसके बाद याद दिलाया कि पिछली सरकारों ने हमारे साथ क्या क्या समझौते किए। अधिवासों के लिए आप देखें क्या कोई नहीं मांग करते यहां कर देंगे कर देंगे लेकिन अभी भी धरातल पे कुछ आया नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 पिछले 6 महीने भोज का परिणाम मंत्रियों का है ये माखन हुआ शिक्षकों कर्मचारियों और जो सूचित तक है तो अधिकारी भी हैं चालू है के कर्मचारी हैं और दूसरे संगठन के भी लोग हैं इन्होंने इसको दयावता का परिणाम देखा। अब आज समय वो नहीं है किताब अप्रैल 2005 के बाद 13 साल के बाद ये जागरूक करवाए कहावत यह है कि भाई विलम्ब से सही अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अब तक तो सिस्टम खत्म हो गया। ये सरकार है जब पैसा दी हुई को वापस ले सकती है तो वापसी वाले को दे सकते हैं। हमारी ताकत होनी चाहिए कि हम कितनी ताकत लगाते हैं ये मजबूर हो जाए और आप उनकी सोच का नजरिया बने। अभी राम साहब ने आपको बताया कि सरकार कर्मचारियों के पक्ष में कभी नहीं गई ये गलत नहीं ना हमें है ना आपको भी ये 100% मान के चलिए कि वो ये मान के चलते हैं कि सरकार का ये पार्ट है और हम जैसे चाहेंगे वैसे
वो ही आया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अन्यायी बनकर और उनके हिसाब से योजनाओं को लॉन्च किया और अम्बेडकर ग्राम में काम करने के लिए हमें भेज दिया। हम साथ में रहे कि हमारी सरकारी सेवा है और हमने उसकी शपथ ले रखी। दूसरे आए तो उनके ध्येय बदल गए, तीसरे आए तो उनका ध्येय बदल गया, लेकिन काम कुल मिला के रहा कि हमको जो काम मिला है हमें वो काम करना। अब कहीं से जहाँ भिन्नता आती है वो ये आती है कि सरकार है कौन आती है। इस डेमोक्रेसी में जो चैन है वो पूरी चैन सरकार है। कभी कभी कंफ्यूजन में मुख्यमंत्री जी हो जाते हैं, उनके मंत्रीगण हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट हो जाते हैं आईएएस, और कि हम पूरी सरकार, जबकि वास्तविकता में देखिए कि पूर्णकालिक सरकार ये है जो आपके सामने बैठी, ये है जो आपके साथ मंच पर बैठी।